बिल्कुल ज्यादा बड़ा नहीं हो गया। टॉम चलो सबको बोलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे साथ टॉम भी आप लोगों को रिव्यू देगा कि कौन सा प्रोडक्ट क्या क्या है, कौन को 5-5 देना है, 10-10 देना है, क्योंकि मिनी शो का ये हॉल करेगा आज, क्योंकि ये भी तो मिनी ही है ना। क्या बोलते हो, ये बोले बस हो गया इतने में ही। एनीवे, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कि मैं थोड़ा बहुत सामान ले रही हूँ, पर मिनी शो में जाते ही ना जो अंदर वाला जो औरत हो, लड़की हो, वॉट एवर जो भी हो, कीड़ा जाग जाता है। ये ले लो, 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 सब। तो मैंने सब ले लिया है, जो जो मुझे चाहिए था, जो मुझे नहीं चाहिए था वो भी मैंने ले लिया था। चलो दिखाते हैं, ज्यादा लेट ना। पर आप लोगों को मुझे और एक चीज बोलना है, चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा? हाँ प्यार दो, सब्सक्राइब करो तब ना। चलो अब दिखाते हैं क्या क्या मैं लेके आई हूँ। ये स्लीपर है, ये स्लीपर बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही अच्छा है घर में पहनने के लिए, वॉशरूम में या फिर बाहर जाने के लिए भी। सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सॉरी। सो ये स्लीपर आपका, इसका प्राइस है 400। बहुत ही लाइट वेट है और अच्छा है ऐसे पहनने के लिए, डेली यूज के लिए अच्छा है। और मैंने एक नहीं लिया, दो दो लिया, पता नहीं क्यों लिया पर मैंने लिया। ये एक है और सेकंड ये सिर्फ एक्चुअली मैंने ये लिया है कलर के लिए। इसका कलर देखो कितना प्रिटी है, कितना प्रिटी है, एकदम बहुत ही प्रिटी कलर है और बहुत ही हल्का है, बहुत ही लाइट वेट है। और इसका भी प्राइस है, हाँ इसका भी प्राइस 400 है, बहुत ही लाइट वेट है। ये सारे चीज का लिंक मैंने तो ऑनलाइन नहीं लिया, पर इसका लिंक मैं कैसे दूंगी पता नहीं, पर देखेंगे मिनिस्टर से ये सारे चीज का अगर लिंक मिल जाएगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दे दूंगी। अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगेगा तो परचेज कर लेना, पर ये बहुत ही अच्छा है। जो लोग कोलकाता से है, मेरे साउथ सिटी मॉल जाओ और जाके परचेज करो। तो ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही क्यूट है। ब्लैक लो ना लो, ये अगर जा रहे हो तो ये ले लो, और वैसे भी 400 का है, बहुत ही सही प्राइस है और अच्छा भी है। तो ये मैंने दो ले लिया है स्लीपर, और ये लिया है मैंने रबर बैंड। कितना अच्छा कलर है इसका, कलर मुझे ज़रूरत नहीं था इसका, नेट नहीं था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा है, पर इसका कलर इतना अच्छा है। और एक चीज़, मिनी शो में मैं जाती हूँ तो मुझे जो चाहिए भी नहीं, जो मुझे नीड भी नहीं है, वो भी मुझे लेना होता है। क्यों लेना होता है पता नहीं, पर लेना होता है। तो उसमें से ये मैंने लिया है, इसका प्राइस 170, ये 170 का है, तो सही है। कलर भी बहुत क्यूट है यार, समर वाला वाइब्स दे रहा है, बहुत ही अच्छा है। गोवा जाऊंगी तब मैं इसको लगाऊंगी, कब जाऊंगी वो पता नहीं है, पर मैं इसको लगाऊंगी। तो ये एक है, और ये मैंने पर्स लिया। पर्स देखो कितना क्यूट है सी, और ये पर्स पता है मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये पर्स में दो चीज़ बहुत पसंद है, वो है कलर और एक ये जो मोती। ये जो मोती है ना, बहुत ही प्रिटी लग रहा है। मैं ऑलरेडी एक मिनी शो का ऐसे ही एकदम सेम साइज का पर डिजाइन अलग है ब्लैक यूज करती हूँ पर्स, वो भी बहुत टाइम हो गया है और बहुत अच्छे से अभी भी यूज हो रहा है, अभी भी नया ही लगता है। और ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा था तो मैंने ये ले लिया है। इसका अंदर में यहाँ पे आप कैश रखते हो, यहाँ पे भी आप कैश रख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ सामान रख सकते हो, यहाँ पे कार्ड। अच्छा है यार इसका चेन, हाँ इसका चेन का क्वालिटी भी अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है। और इसका प्राइस, इसका चेक करने के बाद मैं स्क्रीन में
अटैच कर दूंगी, तो आप लोग देख लेना। तो ये भी बहुत ही क्यूट है, बहुत ही सुंदर सा है। तो एक पर्स लिया है और मैंने लिया है एक फेस स्क्रबर। तो ये है कॉफी फेस स्क्रबर। तो ये मुझे थोड़ा सा सही, मतलब मैं ऐसे स्क्रबर यूज नहीं करती हूँ, घर में कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेती हूँ। तो मैंने सोचा मिनिसो से है तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मिनिसो में ना रिजनेबल आपको प्रोडक्ट भी मिल जाता है और सही रहता है, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं रहता, तो बजट में बैठ जाता है। तो मैंने एक ले लिया है, मेरा बहुत टाइम चल जाएगा। तो ये कॉफी फेस स्क्रबर, इसका प्राइस है 230, ठीक ही है, नॉट बैड, बट ज्यादा सस्ता भी नहीं है जितना मैं सोच रही थी। तो ये है प्राइस और ये है मिनिसो का फेस स्क्रबर। इसको मैं यूज करूंगी, उसके बाद बताऊंगी कि ये कैसा है। ये कहां से स्मेल कर दूंगी, यहां से, मे भी ना कॉफी कॉफी वाला ही है। तो ये मैंने लिया है एक आईलेस कलर, मेरे पास है एक, मैं कभी यूज नहीं, देखने के बाद इतना क्यूट लगा, फिर मैंने अपने को सोचा, दो बार सोचा कि ले लूं, फिर सोचा ले लेती हूँ, अब से यूज करूंगी। तो ये भी मैंने एक लिया है, ये तो अच्छा तो लग रहा है, इसको बॉक्स में ओपन करके। ओ ये ब्रश मुझे बहुत ही पसंद है। मैं इससे पहला मैं 2-1.5 साल हो गया होगा, मैं ईद, अगला बार ईद में ITC गई थी। तो ITC में, क्योंकि हर बार हम लोग कहीं ना कहीं जाते हैं, ITC जब गई थी तो वहाँ पे मुझे ये ऐसा ब्रश, जो वुडन का जो ब्रश होता है, वो मुझे मिला था, तब मैंने वहाँ पे यूज़ किया था। उसके बाद से मुझे इतना अच्छा लगा था वो ब्रश मुझे, तो वो मैं घर लेके आई थी, और वो मैं मतलब वो घर लेके आई थी, उसके बाद मैंने पूरा 1-1.5 महीना उसको यूज़ किया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो मुझे वो अमेजोन से मैंने ऑर्डर दिया था, पर मुझे उस टाइप का नहीं मिला था। तो मुझे मिनिसो में आज मुझे दिख गया ऐसा वुडन, 3 1 2 3, हाँ, तीन वाला पैकेज में मुझे दिख गया। तो मैंने सोचा मैं इसको मैं कैसे मैं छोड़ दूँ, तो इसको मैंने ले लिया है, और इसका ब्रश है, तो इसको मैं यूज़ करूँगी। तो ये बहुत ही, मतलब मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये है 230 रुपीज़ का ब्रश, पूरा सेट है। तो ये तो बहुत, मतलब आई लव, और मैं आपको दिखाती हूँ, मैं पहले पर्स दिखा लेती हूँ। और मैंने और 2 पर्स लिया है, ऐसे छोटू सा एक बॉयज़ वाला पर्स लिया है, जबकि ये सारी चीज़ ना, जब आप टोट बैग यूज़ करते हो तो आप बड़ा पर्स रख नहीं सकते, तो ऐसे छोटू वाला भी अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसका जो ऊपर का जो टेक्सचर है ना, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छा है। अरे यहाँ पे एक ब्लैक कलर का पता नहीं कुछ तो दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे इसका मटेरियल ना बहुत ही सही लग रहा था, तो मैंने ये लिया है। तो इसका प्राइस, ओ अच्छा, इसका प्राइस है 550 रुपीज़। अगर इसमें यहाँ पे प्राइस लिखा है तो इसमें तो होना चाहिए, अच्छा ये वाला बैग में भी ऐसे ही प्राइस लिखा हुआ था, तो इसका प्राइस है आपका 850 रुपीज़। तो ये ये बैग का है 850 रुपीज़, और इसका है 550 रुपीज़। मुझे नहीं पता था इतना एक्सपेंसिव है। मैं प्राइस देख के कोई भी सामान नहीं लेती हूँ, और बिल के टाइम पे मुझे लगता है इतना बिल आ गया, और ये मेरा बहुत ही गलत आदत है जो कि नहीं होना चाहिए, बट मिनिसो जाके मैं पगला जाती हूँ, उसका नतीजा है इतना लंबा बिल। ये क्या किया, वैसे कुछ चेंज तो नहीं करना है, तो ठीक है। तो अच्छा, इसका भी प्राइस मैंने बोल दिया, तो ये लिया है, और एक मैंने पर्स लिया है, वो तो और एक क्यूट सा, देखिए ऐसे कलर देखो कितना क्लासी है, ब्राउन कलर का है, और इसका जो गोल्डन कलर का जो एक जो बॉटन जैसे जो दिया हुआ है, खुल जा बेटा, ओ माय गॉड, बहुत ही क्लासी है, बहुत ही क्लासी है। इसका ऊपर का टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा है, और ये जो गोल्डन कलर का जो हुक दिया हुआ है ना, इतना प्यारा लग रहा है, लग रहा है कि बहुत बिग ब्रांड का है ना। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना।
तो ये बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे एक जिप है, ये भी गोल्डन है, जिप का क्वालिटी नाइस। अच्छा, अंदर में ऐसे कार्ड रख सकते हो, और अच्छा इसमें कुछ भी कैश रख ले। इसका भी प्राइस मैं आपको बता दूँ, इसका भी 750 रुपीज, बहुत एक्सपेंसिव है यार। मुझे पता है क्या लगा था जब मैं उठाई थी, मुझे लगा था वही 350 का होगा, तो ये सब क्या है। अब से प्राइस देख के मैं बैग लूंगी एटलीस्ट मिनिसो में, पर ठीक है अगर ले लिया तो ले लिया। 3 बैग मैंने अपने लिए लिया है, छोटा छोटा पर्स बैग नहीं। और ये है रेजर, 1 2 3 4 5 6 देना चाहिए था, 5 का सेट है ये रेजर। और रेजर एक्चुअली देखिए, इसका जो रेजर का जो ये छोटे छोटे वाला जो मतलब जो साइज है ना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और साइज भी बहुत सही है, ट्रेवल के लिए भी सही होगा। तो मैं हमेशा रेजर ही यूज, मतलब हमेशा नहीं, आजकल वैक्सिंग करने का उतना टाइम नहीं है, उतना हो नहीं पाता, तो रेजर आई थिंक ठीक है, जल्दी से झटपट जाओ तो कर लो। और मैं यही यूज़ कर, ये वाला यूज़ नहीं करती, मैं दूसरा ब्रांड का करती हूँ। तो आज फर्स्ट टाइम मैंने मिनिसो का लिया है, तो देखते हैं कैसा है, फिर आप लोगों को मैं बताऊँगी। इसका प्राइस है 210 रुपीज़ लिया है। और मैंने और एक स्किन प्रोडक्ट में डीप क्लींजर चारकोल, चारकोल फेस वॉश हमेशा बहुत ही अच्छा होता है, डीप क्लीन के लिए तो बहुत ही सही रहता है। तो मैंने सोचा, मैंने मिनिसो का टोनर यूज़ किया है, मेकअप रिमूवर यूज़ किया है, तो ऑफकोर्स वो सब तो मुझे अच्छा ही लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फेस वॉश भी यूज़ कर लूँ। तो मैंने एक फेस वॉश और एक स्क्रबर मैंने लिया था, तो स्क्रबर तो दिखा दिया, ये मैं चारकोल है, 100 ग्राम है, ओके, डीप क्लींजर फेस वॉश, इसका प्राइस है, अच्छा इसका प्राइस है 160 रुपीज़, ओके। ये ऑयली स्किन के लिए भी अच्छा है, ऑल स्किन टाइप ही लिखा हुआ है यहाँ। और मैंने क्यूट क्यूट सा 3 नेल पेंट लिया है, एक है न्यूड कलर का, एक है वाइट कलर का, और एक है ऊपर का टॉप, इसको क्या बोलते हैं, टॉप कोट पता नहीं, क्योंकि मैं नेल पॉलिश लगाती ही नहीं हूँ, बहुत रेयर, बहुत साल में भी नहीं, 2-3 साल में कभी लगा लिया तो लगा लिया। देखो ये व्हाइट वाला भी अच्छा लग रहा था, अरे ये न्यूड कलर तो चलो अच्छा ही है, क्योंकि ये सब में तो मेरा दिल आ ही गया, न्यूड देखते ही मेरा दिल आ जाता है, आई लव न्यूड, मेकअप ड्रेस सब कुछ मुझे न्यूड पसंद है। तो ये न्यूड, अरे एक व्हाइट, अरे ये सब का प्राइस मैं आपको बताऊँ, अच्छा, ये तीनों का प्राइस है 100-100 करके, मैं 300-100 करके एक एक का। ओ बाबा, तो इतना सारा मैंने सीट मार्क्स लिया है, जबकि मैं लगाती बहुत ही कम हूँ, बट अब से मैं लगाऊंगी, क्योंकि मैंने अमेजोन से जो मसाज करने की चीज़ जो रोल और रोल ऑन जो रहता है आजकल जो बहुत वायरल है, वो मैंने लिया है, तो अभी मैं लगाऊंगी। तो मैंने क्या क्या लिया मैं दिखाती हूँ। जब भी मिनिसो जाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा अच्छा देख के मैं ये सीट मार्क्स लेके आऊँ, क्योंकि मिनिसो का जो सीट मार्क्स होता है मुझे वो बहुत पसंद है। मैं नायका का भी मैंने यूज़ किया है कि, तो मुझे उतना जमा नहीं, और ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या मैं लेके आई हूँ। तो पहला है ये सुपर फूड फेशियल मास्क, ये एवोकाडो है, तो ये भी बहुत अच्छे स्किन को हाइड्रेट रखता है, और पता नहीं क्यों, पर आप लोगों में से कोई अगर यूज़ किया होगा तो पता होगा, ये आप अप्लाई करोगे उसके बाद 30 मिनट के बाद जब आप रिमूव करोगे ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके फेस से ना थोड़ा बहुत भी दिन भर में जो टैन था ना रिमूव हो गया, ये मुझे ये फील होता है, क्योंकि मैंने यूज़ किया है तो मुझे ऐसा लगता है। और ये बहुत ही स्किन को मतलब बहुत मतलब हाइड्रेट करता है, प्लम कर देता है, तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने एवोकाडो लिया था, और ये ना स्टॉक में नहीं था, सिर्फ एक ही पीस था, नहीं तो मैं 2-3 पीस ले लेती, तो ये मैंने एक ही पीस मुझे मिला है, तो एवोकाडो। और ये है सुपर फूड कोरियन, ये ना बहुत ही अच्छा, ये ना जिंजर वाला है, तो ये ना मुझे मतलब ये जब मैंने लिया था तब मुझे इसके बारे में उतना पता नहीं था, फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं लगाती नहीं थी, फिर मेरी एक कलीग्स
वो यूज करती है, फिर हम लोग ऐसे नॉर्मली जब बात कर रहे थे यू नो गर्ल्स टॉक शॉपिंग वॉपिंग, उसने मुझे बोला कि समरीन तुम्हारे पास है तो तुम लगाओ, बहुत ही अच्छा है, तुमको बहुत अच्छा एकदम अगर स्किन एकदम टाइट फील हो झट से एकदम ब्राइटनेस दे देता है, तो ये भी बहुत ही अच्छा है, सो आई लाइक इट, ये भी बहुत अच्छा है। और मैंने लिया है, मैंने कभी यूज नहीं किया, फर्स्ट यूजिंग होगा, वो है ये फूट, तो मैंने ये फूट मास्क लिया है, तो ये ऑन पेयर है, तो आपको दोनों पाओ में सब कुछ पेडिक्योर जैसे आपको सब पूरा प्रोसेस करके फिर इसको लगा के फिर आपको 20 मिनट या फिर तो आधा घंटा छोड़ सकते हो, उसके बाद फिर रिमूव कर दो। तो ये मैंने कभी 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 नहीं यूज़ किया है, तो इसको जिस दिन मैं यूज़ करूँगी आप लोगों के साथ इसका रिव्यू मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बिकॉज इसमें मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है। तो ये मैंने लिया है कि कभी कभी अपने पाँव को भी पैम्पर किया जाए, हमेशा फेस को ही क्यों, है कि नहीं। तो बस ये नरिशिंग फिट मास्क है, अच्छा हाइड्रेटिंग, अच्छा हाइड्रेट ही तो चाहिए यार। तो ये डलनेस ड्राइनेस फिट को मॉइस्चराइजर करता है, ऑन पेयर है, इसका प्राइस क्या है 120 इसका प्राइस है, और ये सीट मास्क का है 60 रुपीज। सोचो मैं क्यों मिनीशो का सीट मास्क इतना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये ना बजट में एकदम बैठता है, 60 रुपीज, 60 रुपये में कहाँ मिलेगा, है ना। अच्छा तो ये भी 60 रुपये, हाँ ये भी 60, ये भी 60। और ये है, अच्छा मैंने ये भी लिया है, मैंने बेरी वाला भी लिया है, मैंने बेरी वाला भी लिया, ओ मतलब मुझे जो कलरफुल लगा मैंने उस टाइम ना देखा नहीं था, मैंने जो मिला था, मैं ना एवोकाडो ही ज़्यादा ढूंढ रही थी क्योंकि वो मैंने पहले ही यूज़ किया, तो वो मैं ढूंढ रही थी वो कहाँ मुझे मिलेगा, तो वो एक पीस था तो मैंने ले लिया था। तो ये बेरी फेसियल है, सुपर फूड फेसियल मास्क बेरी, ये बेरी, ये इसका भी 60 रुपया है, तो ये भी लगाने के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी। और समरीन तुमने एक नहीं लिया, ये मुझे याद नहीं रहता है कि मैं मतलब एक बार में ले रही थी याद नहीं था, मुझे दो एवोकाडो मिले, ये टिंग टिंग, तो आई थिंक दो ही था तो मैंने दो ही ले लिया, क्योंकि उसके बाद नहीं था, मैंने वहां पे जो लोग काम करते मैंने पूछा तो बोला नहीं मैम इतना ही अवेलेबल है, तो मैंने दो ले लिया है। सो ये बहुत मेरा बहुत फेवरेट है, तो ये दो एवोकाडो दोनों 60 रुपीज करके है, तो ये भी सुपर फूड फेसियल मास्क, ये भी कोरियन जिंजर है, तो ये भी मैंने यूज किया हुआ है, मतलब ये मैंने लिया हुआ है और यूज तो मैंने पहले भी किया था, तो अच्छा ही है। और ये है ब्रोकली, अच्छा ही, और मैं हेल्दी हूँ तो हेल्दी खाती हूँ, तो फेस में भी हेल्दी लगा लूंगी, क्या बोलते हो आप लोग, कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने किस किस ने इसके यूज किया। और सुपर फूड ये है, अनार, अनार खाने से जैसे मतलब जैसे खून साफ होता है वैसे स्किन भी साफ होगा, आई होप सो। सो ये मैंने एक लिया है और ये मैंने किया है, बाप रे मैंने तो अच्छा खासा ले लिया है। और ये है डीप हाइड्रेशिंग, अच्छा ये वाला मैंने ना एक रील्स में देखा था इसके बारे में कि बहुत ही अच्छा हाइड्रेट मतलब हाइड्रेट करता है, और ये मेकअप करने से पहले अगर आप यूज़ करो तो आपकी स्किन प्लम रहता है, ग्लोई लगता है, और मेकअप बहुत अच्छे से स्किन में मतलब अच्छे से सेट होता है। तो चलो ये मैंने एक ही लिया है, इसको ट्राई करेंगे, देखेंगे, मेकअप करेंगे, उसके बाद आप लोगों को बोलेंगे कि आप लोगों को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मैंने एक दो, ये भी 60 यार, सभी 60 रुपया है, मतलब मास्क फेशियल मास्क मतलब सब 60 रुपीज में, ये 60 रुपीज क्या बोल रही हूँ मैं, 60 रुपये में आता है यार, देसी बात बोलेंगे तभी ना समझ में आएगा। मेरा अभी क्या है ना, मैं बोलते बोलते मेरा थोड़ा गला भी सूखता है, पर मैं उठ के पानी वानी नहीं पी सकती क्योंकि कितना बार मैं उठूंगी, ऊपर से बोलते बोलते थोड़ा सा ये हो जाता है, स्लिप इधर उधर हो जाता है, तो आप लोग इस चीज़ को इग्नोर करना और प्लीज़ जज मत करना, क्योंकि अभी मुझे उतना भी आदत नहीं पड़ा है, मुझे उतना समझ नहीं मतलब आता नहीं है, तो मैं न्यू यूट्यूब मतलब यूट्यूबर बनी हूँ, न्यू सब कुछ कर रही हूँ, तो थोड़ा सा इग्नोर करना, थोड़ा सा प्यार दिखाना। तो मैंने एक लिया है, दो लिया है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक और ले लेती तो क्या बिगड़ जाता, सेंचुरी पूरा हो जाता मेरा, नहीं 3 लेना पड़ता, 12 हो जाता तभी ना सेंचुरी पूरा होता, या फिर 10 भी लेती तब भी हो जाता। तो मैंने 10 शीट मास्क ले लिया, अच्छा खासा ले लिया समरीन ने, लास्ट वाला तो टाइसन के लिए ज़्यादा बेहतर है,
लास्ट है ये रूम फ्रेशनर, ये 3 बॉटल है 3, ये है लेमन, ये है लेमन, ये भी लेमन, और ये है जैस्मिन। जैस्मिन वाला बहुत ही स्ट्रांग है, इसको आप एक बार एक पाम आप स्प्रे करोगे उसके बाद आपको फील होगा कि हाँ भाई कुछ तो रूम पे दिया मैंने, क्योंकि ये झट से एकदम स्मेल नहीं जाता है। एटलीस्ट इसका स्मेल 2 से 3 आवर रूम में स्टे करता है जैस्मिन। और जैस्मिन मैंने एक ही बॉटल लिया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 3 बॉटल है स्टॉक में, क्योंकि मैं अगला बार जब गई थी मिनीसो तब मैंने लिया था, पूरा बल्क में लिया था मैंने, तब मैंने 11 या फिर 12 बॉटल लिया था। यस गाइस, मुझे ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे पास डॉग है, कैट है, कैट का तो कोई मसला नहीं है, पर डॉग है तो थोड़ा सा रूम में थोड़ा सा डॉग वाला स्मेल होता है, तो मुझे रह रहे के मुझे थोड़ा सा ज़रूरत पड़ता है। और इतना बड़ा घर में, पूरा घर में अच्छे से स्प्रे करो 2-3 टाइम तो थोड़ा सा लगता है। और मैं मिनीसो से लेती हूँ क्योंकि मिनीसो का जो बॉटल भी ठीक ठाक रहता है, क्वांटिटी भी सही रहता है, और ऊपर से थोड़ा लॉन्ग स्टे भी करता है, सो आई लाइक इट। तो इसका प्राइस मैं बता देती हूँ आपको, प्राइस का 200 नॉर्मल मार्केट में जितना भी है वो सब भी मैं यूज़ करती हूँ, वो भी 170 का होता है, कोई 200, 230, 240 जैसा जो लोगे, बट वो स्टे नहीं करता, क्वांटिटी में उतना भी नहीं रहता है तो जल्दी ख़त्म होता है। तो मिनीसो का मुझे रूम फ्रेशनर अच्छा लगता है तो मैं लेके आती हूँ। तो बस इतना शॉपिंग और इतना लंबा चौड़ा बिल था। अब मिनीसो नहीं जाऊँगी मैं, 2-3 महीने में बता देती हूँ। तो गाइज, आप लोगों को मिनीसो का हॉल कैसा लगा आप लोग बताना। आप लोगों को इतना सारा जो भी मैंने सामान लाई हूँ उसमें से कौन सा चीज़ आप लोगों को लगा कि नहीं ये सारे चीज़ अच्छा लिया है, इसको काम की मतलब एक काम में ज़्यादा लगेगा, यूज़फुल है, और कौन सा बेकार लगा कि यूज़फुल नहीं है फिर भी उठा के लेके आई है, वो भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो यस बाबा, और कुछ नहीं, बहुत सारा प्यार देना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बहुत 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 ज़्यादा प्यार देना है सबको मेरे तरफ से, हग किसेस ऑल। तो आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और अच्छा अच्छा कमेंट करिए, थोड़ा सा प्यार दिखाइए बाबा, इतना मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। और आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग सब खुश रहिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से खाइए, वीकेंड एंजॉय कीजिए, शॉपिंग कीजिए, फिर मिलते हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।